गाइस देख लो फ्लाइट आ गई। ओ भाई सामने रही भाई भाभी जी आ रही है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एक नया दिन और एक नया व्लॉग के साथ। गाइस अभी सबसे पहले मैं बता दूं यार अभी टाइम हो रहा 11:15 और मेरे को अभी निकल रहा गाइस एयरपोर्ट के लिए फिलहाल, क्योंकि यार भाभी आ रही थी सऊदी से ना, तो उनको अभी जाना पिकअप करने के लिए और उनकी फ्लाइट 11:40 में लैंड हो जाएगी और अभी 11:15 हो रहा है। तो अभी करते क्या है ना, फटाफट से गाड़ी लेकर चलते हैं गाइस एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 11:15 हो गया, मेरे को 10-15 लगेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। तो लो जी रोड पर आते ही ना फंस गए ट्रैफिक में, तो अच्छा हुआ कि मैं भाई टाइम से पहले निकल गया। तो गाइस क्योंकि ना यार मेरे घर से ना एयरपोर्ट जस्ट बगल में पड़ता है, ज्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 5-10 बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल अभी तो ट्रैफिक है तो फिर टाइम भी अभी काफी ज्यादा है, तो आराम से हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और ये जाम ही जाम है भाई, यहाँ तक निकल गए भाई, जाम से भी काफी ज्यादा ट्रैफिक मिला था, ध्यान इतना ज्यादा देर जाम में फंस चुके थे ना, लगभग 10-12 तो मेरा उधर ही निकल गया। अब इधर भाई कोई जाम नहीं, एकदम खाली खाली भाई रोड है और यार मौसम भी काफी गर्म हो चुका है, देख सकते हो ना धूप इतना तेज निकल चुका है यार, और काफी दिन से पटना में बारिश भी नहीं हुई तो गर्मी भी काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो लो सामने रहा हमारे एयरपोर्ट, तो भाई ये वाला जो गेट है ना ये एग्जिट का है और उस साइड से एंट्री का है। पहुंच गए गाइस एयरपोर्ट और देख सकते हो इस साइड में एयरपोर्ट है, कार को भाई अभी एयरपोर्ट के बाहर ही लगाया क्योंकि ना अंदर में पार्किंग का थोड़ा सा मसला हो जाता है, भीड़ भी काफी ज्यादा हो जाता, तो अभी मैंने मोबाइल में भी चेक किया फ्लाइट अभी लैंड करने वाली है। गाइस अभी क्या ना यहीं पर हम लोग वेट कर लेते हैं फ्लाइट का, और फ्लाइट लैंड करेगी तो इधर से दिखेगा भी, बाहर मौसम भी काफी सही हो चुका है, देख लो कितना भाई घना बादल लग चुका है, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए क्योंकि यार गर्मी काफी तेज है, बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और गाइस क्या मतलब यार पेंटिंग किया गया है वॉल पे, मतलब कितना बढ़िया पेंटिंग किया गया है ना, 3D पेंटिंग। अभी क्या है ना पटना में हर तरफ आपको यार बढ़िया पेंटिंग दिखेगा इस तरह का भाई, और इस और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, मतलब हर तरफ दीवार को भाई इस तरह का पेंट कर दिया गया। और अभी कुछ ही देर में ना फ्लाइट अभी यहाँ से लैंड करने वाली है, मैं तो अभी थोड़ा सा ना वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भाई मैं कैमरा ऑन करके रखा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है यार फ्लाइट लैंड होने के साथ ना। गाइस देख लो फ्लाइट आ गई। ओ भाई मैं फिर से धूप, तो यार पटना में अभी यही हो रहा है, धूप छा। और लो जी लो आ चुके एयरपोर्ट के अंदर, और देख सकते हो ना इस साइड पूरा भाई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी काफी टाइम लगने वाला है उस, तो फिलहाल यहां से लेना है लिफ्ट। तो ये रहा हमारे सामने भाई एयरपोर्ट, और अभी देखते हैं भाभी कहां पर खड़ी हैं, क्योंकि भाई उनका कॉल आया, वो बोली कि बाहर आ चुके हैं, बट अभी देखते हैं ना वो कहां पर है, अभी थोड़ा सा ढूंढते हैं गाइस। और यहां भाई फायर वाले को तो थार दे रखा है, तो यही साइड में लगाते हैं अपनी गाड़ी को और देखते हैं भाई कहां पे हैं वो। गाइस एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा, तो सामने रही भाई भाभी जी आ रही हैं। फाइनली फ्लाइट ना भाई टाइम से लैंड कर चुकी है, और सामने देखो भाभी भी आ चुकी है। तो आप तो पूरा रात थक गई होंगी। हाँ। पूरी रात तो सोई नहीं होंगी, एकदम जरा सा नींद आ रही थी, अभी इस फ्लाइट में नींद आ रही थी। हाँ सुबह दिन था ना इसलिए, तो इनको भी भाई हरासमेंट हो चुका है, तो फटाफट से भी चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पे डायरेक्ट। फाइनली आ चुके थे भाई एयरपोर्ट से, और देख लो इधर अरफा भी आ चुकी है। यस मंजली अम्मी आ गई। ये किसका पता है, दादी का। देखो चेक करो पहन के, सही है साइज सही है। तो गाइस फाइनली यार चप्पल जो आया था ना अम्मी के पैर में छोटा हो गया, तो अब इसको मारना पड़ेगा रिटर्न। और यार तो फाइनली एयरपोर्ट से हम लोग आ चुके हैं यार घर पे, और मतलब काफी ज्यादा हरासमेंट हो गया था भाभी को, तो भाभी आने के बाद ना भाई सो गई थी। तो गाइस अभी हुआ क्या ना कि लास्ट टाइम ना अरशद को इस वाले टेप से हम लोगों ने बांधा था, और गाइस देख लो भाई वही टेप ना इतना सारा बच चुका था, तो हम तो अभी क्या है ना अरशद ने दिमाग दिया ना कि भाई मेरे को इस टेप से ना मम्मी बना दीजिए, फिलहाल इस बार अरशद को तो मम्मी नहीं बनाने वाले हैं, और इस बार अरफा में क्या ना पूरा टेप लपेट देने वाले हैं, और देखते हैं भाई उसके बाद क्या होता है। और
खड़े रहा। कौन मार रहा है? लड़ेगा तुम लोग लड़ा लड़ी छोड़ेंगे तो गिर जाएगी पागल के पास। अरे उसको जतना ना पूरा पेट में दम रहा। तो ना यार अरफक को मैंने जब टेप से लगाया ना भाई वो ऐसे चिल्लाने लगी लगी था बचेगी नहीं। पता देखे था तुम कैसा कर रही थी वो क्यों है? चिल्ला रही थी। सुना 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 तुमको कर दिया जाए तुमने नहीं चिल्लाएगा हाँ? हाँ? तो गाइस अभी हो चुका है रात तो हम लोग कल ट्राई करने वाले हैं अरशद पे टेप लगाकर भाई और देखते हैं ना अरशद चिल्लाता है क्यों नहीं चिल्लाता। यार वो लड़की थी पता नहीं उसे क्या हो गया और वो एकदम चिल्लाने लगी। मैंने उस टाइम वीडियो भी बंद कर दिया पता नहीं उसको मैंने लगा कि भाई उसे क्या हो गया। सबसे फटाफट से उसको टेप से बाहर निकाला तो अभी कल करेंगे अरशद का भाई करने वाले हैं हम लोग अरशद को टेप लगाएंगे। अभी क्या है ना भाभी का बैग खुला था यार और उसमें से देख लो ना ये अबू फास निकला जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है भाई चोट में और चोट में तो अक्सर ये काम करता है। और ये साथ में लेके आई थी जमजम का पानी उमरा के लिए गए थे तो जमजम का पानी भी साथ में आया था। अभी मैंने यार दाढ़ी वाड़ी बना लिया ना काफ़ी ज़्यादा मेरा दाढ़ी बढ़ गया था ट्रीटमेंट देख लो यार अरशद को मैं बाहर लेकर गया था और ये देख लो एकदम बाइक पे ही सो गया। मतलब इसको कहीं भी ले जाते हैं ना ये अक्सर बाइक पर सो जाता और मस्त इतना नींद मार रहा है बाइक पर सोए सोए हुए। ये देख लो यार क्या बच्चा मस्त पीछे बैठा हुआ उसकी मम्मी ना मस्त बाइक चला रही है और उसे मस्त बेल्ट से लगाकर पीछे सीट पर बांध दी। और क्या यार बाइक से जब ये आ रहा था ना तो बाइक पे ही सो गया। और देखो ये यहाँ पर आके क्या कर रहा है ये देखो ये कहाँ पे स्टिकर लगा लिया है। स्टिकर क्या की लगाए हो? चॉकलेट यार मैं चॉकलेट खा रहा था इसमें से स्टिकर निकला और वो अपनी छाती पर ना उसको लगा लिया है। लाओ इधर हम निकालते हैं लाओ एक भी बाल नहीं आया है। तो गाइस कल हम लोग करेंगे अरशद के साथ मस्त चैलेंज और अरफा के साथ हम लोगों ने किया था तो देखा था कि अरफा कैसे चिल्लाने लगी थी इसको पता नहीं क्या हो गया और ये पूरा चिल्लाने लगी। मतलब क्या हो गया था तुमको अरफा उस टाइम? तो तुमको हिजाब निकालना चाहिए था नहीं तुम बोली थी जब लग गया तब बोली थी। और कुछ हुआ कहाँ था तुम्हें? ऐसा चिल्लाने लगी सब डर गया कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। गाइस सब घर में इतना ज़्यादा डर गया ना मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दिया उस टाइम। तो फिलहाल जो भी है मगर जल्दी से मैंने इसका फिर टेप निकाला और सब इसको निकाला ना तब जाके इसका सांस में सांस आया। फिलहाल आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और सब देख लो यहाँ पर खाना खा रहा है तो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।